नमस्ते दोस्तों, क्या हार्ट ट्रांसप्लांट को प्रिवेंट किया जा सकता है? तो आज की जो केस है उसमें हमने एक पेशेंट को जिसको हमने ट्रीट किया था उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हम प्रिवेंट कर सके, पेशेंट को सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो क्या थी ये केस आज हम समझते हैं यहाँ पर। तो ये जो पेशेंट है ये हमारे पास आए थे, इन्हें चलते समय सांस फूलने की शिकायत थी और पाल्पिटेशन था, यानी कि सीने में धड़धड़ धड़धड़ जो होती है, घबराहट जो होती है वो इन्हें कंप्लेंट थी। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अनइजीनेस, यानी कि छाती में भारीपन जैसा कुछ महसूस हो रहा था इनको। इनका ऑलरेडी एक वॉल की जो सर्जरी होती है वो हो रखी थी 1981 में, और उनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन था, जो कि पंपिंग पावर जिसे कहते हैं, वो भी कम हो चुका था 2007 से। तो ये एक पुरानी केस थी जिसमें स्लोली स्लोली उनका जो हार्ट है वो फेलियर की तरफ बढ़ गया था। मेडिसिन ये डाइटर प्लस इकोस्पिन कार्लोक ऐसे तीन प्रकार की दवाइयां ये खा रहे थे। तो ये पेशेंट पहुंचे हमारे माधवबाग के नासिक सेंट्रल ब्रांच में, जहां डॉक्टर आनंदी और डॉक्टर सरिका ने इनका एग्जामिनेशन किया, और उन्होंने देखा कि उनके पैरामीटर्स जो है वो कुछ इस प्रकार है। वजन उनका ज्यादा है, 83.8 है। BMI जो 24 के नीचे होना चाहिए वो इनके केस में 30 था। पल्स रेट भी 100 से ज्यादा था। एब्डोमिनल गर्थ भी 106 है, और VO2 max जो कि हार्ट की ताकत होती है वो भी यहाँ पर कम था। 2D एको का एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें पंपिंग पावर सिर्फ 15% था। ये नॉर्मली 60% होता है किसी भी नॉर्मल व्यक्ति में, पर इनके केस में वो 15% था। साथ में सीवियर माइटर रिजर्जिटेशन, यानी कि जब हार्ट पंप करता है तो वहां पर लीकेज था उनके वॉल के अंदर, और मूवमेंट्स भी अच्छे खासे नहीं हो रहे थे। एंटी प्रो बीएनपी, ये जो एक ऐसी टेस्ट होती है जो हार्ट कितने फेलियर में है उसकी सीवियरिटी दर्शाता है, तो ये 400 के नीचे होना नॉर्मल होता है। तो इनके केस में ये 1500 के ऊपर, ये जो एंटी प्रो बीएनपी है ये इनका था। तो ये टिपिकल एक हार्ट फेलियर, यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की केस ये हमारे पास आई थी। तो माधवबाग में हम पंचकर्म करते हैं, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण की जो पंचकर्म चिकित्सा है उसके माध्यम से हम हार्ट फेलियर के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। साथ ही उसमें डाइट का भी गाइडेंस, योगा, एक्सरसाइज, ये सारा कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में हम लोग पेशेंट से करवाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हमने उनको दी थी। तो ट्रीटमेंट हो जाने के बाद में हमने 90 डेज, यानी कि 3 महीने बाद, हमने देखा कि उनका वजन 83.8 से 67 पर आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नियर अबाउट 15 से 20 किलो का वजन उनका हमने कम किया। BMI जो 30 था वो हमने नॉर्मल रेंज में 24 पर लेकर आए। ब्लड प्रेशर 130-80 रहा करता था, वो 102/62 पर है। हार्ट रेट जो 100 के ज्यादा था, हमने देखा था कि 114 उनका हार्ट रेट था, तो वो हार्ट रेट अब 64 पर आया है। एब्डोमिनल गर्थ 106 का अब 90 सेंटीमीटर है। VO2 max जो है, चलने की क्षमता, वो भी बढ़ चुका है। 15% जो इजेक्शन फ्रैक्शन था, पंपिंग पावर, वो अब 31%, यानी कि 31% पर वर पहुंच गए हैं। और एंटी प्रो बीएनपी की जो 1500 से ज्यादा की वैल्यू आ रही थी, अब वो 400 की वैल्यू है, यानी कि नियर टू नॉर्मल उनका एंटी प्रो बीएनपी पहुंच गया है। तो ये जो दिखाता है ईएफ का बढ़ना और एंटी प्रो बीएनपी का कम होना, ये दर्शाता है कि पेशेंट का हार्ट फेलियर जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है। तो यहाँ पर उनके कुछ ईसीजी के रिपोर्ट से, जिसमें हमने इम्प्रूवमेंट देखा ईसीजी के रिपोर्ट्स में भी, साथ ही में 2D echo का रिपोर्ट जो है उसमें भी हम देख रहे हैं कि 15% था, जो कि 2021 का रिपोर्ट था, और 2022 के महीने में वो 31% पर इजेक्शन फ्रैक्शन पहुंच गया। तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ना अपने आप में बड़ी बात होती है, ये इजीली बढ़ता नहीं है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सावधानी बरतनी होती है, तभी ये हमें इम्प्रूवमेंट मिलता है, अदरवाइज ये इम्प्रूवमेंट मिलना डिफिकल्ट होता है। एंटी प्रो बीएनपी का रिपोर्ट भी आप देखिए, 1500 से अब वो 400 पर आ गया है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये अचीव करने के बाद हमने क्या पाया कि पेशेंट अब 3 किलोमीटर बिना किसी तकलीफ के वो चल पाते हैं, और अपने डेली जो भी इनके एक्टिविटीज होती है वो करने में उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। हार्ट ट्रांसप्लांट जो उन्हें इमीडिएट करने के लिए कहा था वो भी अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति चल पाता है, अपने रूटीन के काम वो कर पाता है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी महंगी सर्जरी की ओर हम क्यों जाए। क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट ये सबके बस की बात नहीं होती है, इसमें कॉस्ट भी लगती है और पेशेंट को उतना टाइम भी देना पड़ता है रिकवर होने के लिए, तो ये थोड़ा एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है हार्ट ट्रांसप्लांट। बट अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो और इस कंडीशन को अगर आप माधवबाग में आप दिखाते हो, तो डेफिनेटली इसमें माधवबाग बहुत अच्छी तरीके से हार्ट फेलियर के पेशेंट को मदद कर सकता है।
ये केस नासिक सेंट्रल ब्रांच की थी। तो अगर आप नासिक एरिया में कहीं हो तो डॉक्टर आनंदी और डॉक्टर सारिका ने ऑलरेडी ऐसे पेशेंट को ट्रीट किया है। तो आपके भी अगर कोई रिश्तेदार फ्रेंड्स में अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो आप नासिक सेंट्रल ब्रांच में उनको रेकमेंड कर सकते हो अपने हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट कराने के लिए। धन्यवाद।